स्टूडेंट माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज मैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 16 लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और किसके वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखा होगा, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, लेक्चर नंबर 15, तो पहले आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही आपको 100% क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मतलब प्रीवियस एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है वो, नीट एग्जाम में क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जेडब्ल्यू में क्वेश्चन कौन से पूछे जा चुके हैं वो सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, लेकिन आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करने से सेटिस्फाई नहीं होना, बल्कि और आप इससे 3 times 4 times क्वेश्चन और ज्यादा सॉल्व करना। ये तो एक स्पेसिफिक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है ना, और रिजल्ट जो रहता है ये हमेशा स्टूडेंट पर डिपेंड रहता है, हमारा तो सिर्फ एक गाइडलाइन है। ठीक है, सिर्फ हम आपको गाइड कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है, पहले मैं बोर्ड पर लिख के रखा था, ये जेई का क्वेश्चन है, K2HgI4 याद है क्या आपको, K2HgI4 यह है नेसलर्स रिएजेंट। क्या है? नेसलर्स रिएजेंट। चलिए देखिए आप, नेसलर्स रिएजेंट है ना, क्या है नेसलर्स रिएजेंट, K2HgI4 ये आपने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, K2HgI4 दैट इज कॉल्ड एज नेसलर्स रिएजेंट। अभी ये इस टॉपिक पर नहीं जाना हमारे को, हमारा मेन टॉपिक देखिए आप, क्या सॉल्व करना है, इसमें क्या डिटरमाइन करना है, K2HgI4 इज 40% आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ इट्स वांट ऑफ फैक्टर इज, मतलब यहां पर हमारे को निकालना है इसका आय, क्या निकालने बताइए, आय है ना, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वांट ऑफ फैक्टर को हम आय से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, मींस आय एंड अल्फा इनका रिलेशनशिप मैं आपको समझाता। चलिए देखिए आप, K2HgI4 इसको हमने डिसोसिएट किए, है ना, अज्यूम करना पड़ेगा आपको कि हमने इसको 100% डिसोसिएट किए, ट्वाइस के पॉजिटिव प्लस, ठीक है ना, HgI4 और चार्ज कितना जाएगा इस पर, -2, सही है ना, इनिशियल स्टेट पर ये कितना मोल था, 1 और ये 0 कॉन्सेंट्रेशन, देयर इज नो चेंज, बट एट इक्विलिब्रियम, याद आ रहा होगा आपको इससे पहले के लेक्चर, इक्विलिब्रियम पर क्या था, 1 माइनस अल्फा, मींस अल्फा मोल्स आर डिसोसिएट फ्रॉम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये मीनिंग मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ठीक है ना, 1 माइनस अल्फा, ये कितने मोल है पर, 2, तो 2 अल्फा हो जाएगा, और ये कितना मोल है, 1 मोल है ना, सो आई इज इक्वल टू, बराबर ना, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 है ना, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्या बच्चे बताइए इसमें, 1 प्लस 2 अल्फा, सही है ना, क्या रहा इसमें, 1 प्लस 2 अल्फा, बहुत इजी क्वेश्चन था जेडब्ल्यू का, सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। अब यहां पर जो हमने अल्फा लिखे, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहां पर कितने परसेंट आयनाइज्ड हुआ, 40%, सो अल्फा इज इक्वल टू 40 divided by 100 है ना, कितना हो जाएगा अल्फा, 0.4। ठीक है, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछता था एग्जाम में निकालने के लिए, तो वहां पर आपको परसेंटेज में निकालने करेगा, ठीक है ना, लेकिन ऑलरेडी यहां पर जो परसेंटेज दिया हुआ है, तो कितना, 40 divided by 100 मीन्स कितना हो जाएगा, 0.4, सो I is equal to 1 plus 2 into 0.4, कितना हो जाएंगे, 0.8, और 0.8 plus 1 कितना, 1.8, so we can return as, है ना, the value of want of factor is कितना रहेगा, 1.8। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले आप जरूर उस लेक्चर को देखिए, जिसमें मैंने बहुत डिटेल पॉइंट एक्सप्लेन किया, रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज वेल एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दोनों पॉइंट एक्सप्लेन किया था।
ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको कैसे निकालेंगे, अल्फा कितना था 0.4, 2 से मल्टीप्लाई करते 0.8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.8, ठीक है ना। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन में देख के लिखता हूं। हाँ, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे रहा आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर द वांट ऑफ फैक्टर फॉर, ठीक है, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलार बी ए एन ओ थ्री बाई टू, बी ए एन ओ थ्री बाई टू सोल्यूशन इज 2.74, सोल्यूशन इज 2.74, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज। बहुत रैपिडली क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये टेक्निक समझ में आ जाना क्या सॉल्व कैसे करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, मतलब यहां पर आपको निकालना है अल्फा, क्या दिया है यहां पर, बेरियम नाइट्रेट बी ए एन ओ थ्री बाय टू टू ग्यूस बी ए डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस एन ओ थ्री निगेटिव, ठीक है ना। यहां तक के कुछ प्रॉब्लम है क्या, इनिशियल पर क्या था बताइए आप, इनिशियल पर ये वन मोल और ये कितना जीरो जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा, ये कितना मोल है, एक मोल तो अल्फा, ये कितना दो अल्फा, सो आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा अपॉन वन, कितना हो जाएगा वन प्लस दो अल्फा, सो समझ में आ गया ना, ये प्लस माइनस चले जाएगा वन प्लस टू अल्फा, सो आई इज इक्वल टू वन प्लस टू अल्फा। अब निकालना क्या है आपको यहां पर, सर यहां हमारे को निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा निकालना है आपको, बराबर। आई कितना दिया आपको क्वेश्चन में, आई है 2.74 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2.74, ठीक है ना, माइनस 1 ये माइनस हो जाएगा, तो 1.74, सो अल्फा इज इक्वल टू ये बाय 2, है ना, 174 का हाफ कर लो आप 87, मतलब 0.87, सो अल्फा इज इक्वल टू 0.87, है ना। लेकिन आपके परसेंटेज में लिखने के, परसेंटेज ऑफ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कितना हो जाएगा 0.87 इंटू 100 मीन्स 87%, ये क्वेश्चन था, प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। द वांट ऑफ फैक्टर है ना फॉर 0.1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया था आपको, कितना मोलार था 1, बी ए एन ओ थ्री बाई टू इज कितना था आई 2.74, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, मीन्स यहां हमारे को डिटरमाइन करना था अल्फा, सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 87%, समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये एमएससीटी 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वांट ऑफ फैक्टर फॉर एक्वस मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड इज, वांट ऑफ फैक्टर फॉर एक्वस मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड इज, मतलब यहां हमारे को निकालना था आई, वांट ऑफ फैक्टर मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड CH2Cl, बराबर है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको,
सी एल सी एच टू सी डबल ओ एच, इसको हमने एक्वा सोल्यूशन में डिसोसिएट किया, अज्यूम करना पड़ेगा 100% हो जा रहा। सी एल बॉन्ड सी एच टू सी डबल ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना मानते हैं इसको हमेशा 1, ये 0, 0 ली हमने। एट इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा बताइए आप, 1 माइनस अल्फा मीन्स एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएटेड, ये कितना मोल अल्फा और ये अल्फा अल्फा डिसोसिएट हुआ है ना। सो आई इज इक्वल टू, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, मैं ऑप्शन ही लिखा रहा आपको, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा है ना अपॉन 1, सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, बस यहां तक आपको सॉल्व करना था। ऑप्शन थे उसमें अलग अलग दिए हुए, कहां टाइम पास करने का, उसमें कंसेप्ट समझ में आएगा आपको कैसे निकाली हमने, ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया 1 प्लस अल्फा, सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये है फाइनल आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th लिखिए आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 4th, हाँ क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर, ये नीट 2011 का क्वेश्चन है, कांस्टेंट फॉर वाटर इज, ठीक है ना, कितना है 1.86 डिग्री सेल्सियस और एम इनवर्स, समझा था पूरे एक एक पॉइंट, इफ 5 ग्राम ऑफ Na2SO4, इफ 5 ग्राम Na2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट चेंज बाय, द फ्रीजिंग पॉइंट चेंज बाय, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है 3.82 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4, फॉर Na2SO4, यहां आपको निकालना है वांट ऑफ फैक्टर। चलिए देखिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन क्या लिखे हमने यहां पर बोर्ड पर, पूछा क्या आपको वांट ऑफ फैक्टर, मीन्स यहां पर अब यहां आपको अज्यूम नहीं करना है क्या ये 100% डिसोसिएट हो रहा, बराबर है ना। डिसोसिएशन के केस में आपको बता दें 100% डिसोसिएट हुआ, हमने अज्यूम किए थे, नहीं तो आप देख के बता देंगे सर इसका आंसर 3 आ गया, ऐसा नहीं है, इसका फाइनल आंसर भी बताया था मैं आपको कितना आएगा, इसका फाइनल आंसर है 3 से थोड़ा सा कम डिसोसिएट हुआ क्योंकि 100% नहीं हुआ, इसका फाइनल आंसर है 2.63। हम सॉल्व करते हैं इसको, देखिए आपको फील होना चाहिए टॉपिक कैसे पढ़ रहे, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज है ना 1.86 है ना, केल्विन केजी मोल इनवर्स, एम इनवर्स बोले तो मोलालिटी मोल पर केजी, इफ 5 ग्राम ऑफ Na2SO4 इज डिसॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर है ना, द फ्रीजिंग पॉइंट चेंज बाय है ना, फ्रीजिंग पॉइंट कितना चेंज हो रहा है इसमें बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज बाय 3.82 डिग्री सेल्सियस है ना, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4, क्या निकालने का आपको Na2SO4, ठीक, वांट ऑफ फैक्टर, तो देखिए यहां पर ये चेंज जो बताया था इसको माइनस में बताया था, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताया आपको, तो एक सिंपल सी बात है कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी रहता है, बिल्कुल सर, तो 0 माइनस माइनस 3.82, ठीक है ना, और यहाँ डिग्री दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात रहेगी, कितना 3.82 डिग्री सेल्सियस, वांट ऑफ फैक्टर कुछ आपको, सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000
इंटू आई वांटा फैक्टर अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। अब यहां निकालना है आपको आई, सो आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ कितना है क्वेश्चन में। डेल्टा टी एफ ये निकाली हमने 3.82 डिग्री सेल्सियस है ना, इंटू एम टू मोलार मास एन ए टू एसओ फोर का कितना आ रहा, एन ए टू एसओ फोर है ना। सोडियम का एटॉमिक मास है 23, सल्फर 32 और ऑक्सीजन का है 16। 64 प्लस 32 कितना, 96 प्लस 46 कितना हो गया 142 बराबर। हाँ सो 142 ग्राम पर मोल है ना इंटू डब्ल्यू वन। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बताइए, बोलो मास ऑफ सॉल्वेंट है यहां पर 45 बराबर। हाँ 45 अपॉन केएफ कितना है, केएफ है 1.86, यूनिट का कोई टेंशन मतलब कैंसिल हो जाएगा ठीक है, इंटू डब्ल्यू टू ठीक है ना। अगर आप यूनिट भी लिखना चाहते हैं तो पूरा डिटेल लिख लीजिए। चलिए ये क्या रहता, डिग्री इंटू एम टू कितना है 142 ग्राम पर मोल इंटू डब्ल्यू वन कितना रहेगा 50, इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि अपॉन 1000 था ना ऊपर चला गया है ना, इंटू ये अपॉन 1.86 बराबर है 1.86 और इसका यूनिट क्या है डिग्री है ना मोल पर केजी। ये जो हमने मोलिटी लिखी है इसका मीनिंग होता है मोल पर केजी ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है डब्ल्यू टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम इंटू 1000 बराबर है बिल्कुल। चलिए देखिए आई इज इक्वल टू हम इसको सॉल्व कैसा करते हैं, कितना बचे यहां पर 10, कितना बचे 100 बराबर है ग्राम ग्राम डिग्री डिग्री है ना मोल इनवर्स केजी केजी चल रहा है ठीक है ना। अब यहां कितना बचा बताइए, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो 3.82 इंटू 142 अपॉन 186 बराबर है। तो आप यहां से इसका आंसर निकाल सकते ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर कितना बताया 2.63। आप इसको कैलकुलेट कर देना, आपको मेथड तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ठीक है ना। देयरफॉर द वांट ऑफ फैक्टर इज है ना, कितना है वांट ऑफ फैक्टर Na2SO4 सॉल्यूशन के लिए 2.63। इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Na2SO4 ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, समझ में आ गया ना। अगर ये 100% डिसोसिएट होता था तो इसका आंसर कितना आना चाहिए था 3, ऐसे निकालते थे ना याद होगा आपको Na2SO4। बताइए कैसे लिखते थे इसको, ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस SO4 डायनेगेटिव, डायरेक्ट निकालते थे वैसा। हाँ सर तो कैसा था ये 2+1 3 आते था, सो I इज इक्वल टू 3 लेकिन कब, बट व्हेन है ना डिसोसिएशन टेक्स प्लेस 100%, जब डिसोसिएशन 100% होता था तब, लेकिन यहां पर डिसोसिएशन 100% नहीं हो रहा बराबर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लिखिए आप अगला क्वेश्चन। जे मेंस का क्वेश्चन है 2011 का, क्वेश्चन है 0.1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड इज 30% आयोनाइज्ड इफ केएफ फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये डिग्री पर एम दिया है ना। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, द फ्रीजिंग पॉइंट
ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा? चलिए देखिए, कितना देर 0.1 मोलाल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड ये हमने मान लिया कंसीडर किए, इसको हमने डिसोसिएट किए, बराबर है। सो कितना हो जा रहा है बताइए यहां पर आप, एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव, ये 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बराबर है ना। चलिए देखिए, अब यहां पर 1 माइनस अल्फा मोल हमने डिसोसिएट किया, कितना रहेगा अल्फा अल्फा, सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1, सो 1 प्लस अल्फा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, है ना। अब यहां पर आपको निकालना क्या है जी, आपको यहां पर निकालने का है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे ना, आई निकाल लेते हैं, इसमें I इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3, ये समझ में आया क्या आपको, 30 अल्फा इज इक्वल टू 30 अपॉन 100, कितना 0.3, क्योंकि परसेंटेज में दिया था आयोनाइज्ड, कितना आयोनाइज्ड है तो 1.3, सो I इज इक्वल टू 1.3, ये हमने पहले I निकाल लिए। मेन फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द के एफ इन टू एम, है ना। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू बराबर है, के एफ कितना है यहाँ पर, अगर ये इनटू आई लगाते थे हम, इनटू आई बराबर है ना, तो के एफ है यहां पर दिया हुआ 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स इनटू बराबर है, एम कितना है 0.1 मोलार मतलब मोल पर केजी, ये मीनिंग हो रहा है इसका, इनटू आई कितना निकला हमने यहां पर 1.3 बराबर है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, देखिए डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू बराबर है 0.186, यहां से केजी चला गया, मोल इनवर्स मोल चला गया, 0.186 इनटू 1.3, सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू बराबर है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, इसका आंसर है 0.24, चेक कर लेना आपने, ऐसा इसको 13 कर लो, इसको 186 ठीक है, बाद में एडजस्ट कर लेने का। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.24। अब मेन फॉर्मूला क्या था बताइए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपको यहाँ पर, सॉल्यूशन का निकालने के, टी नॉट माइनस टी है बराबर ना, किसका निकालना है आपको यहाँ पर, इसका निकालना है बराबर, हमने इधर लेके आ गए ठीक है। सो टी इज इक्वल टू द टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, सो जीरो है ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, माइनस कितना है बताइए, 0.24 तो आंसर आएगा इसका, माइनस 0.24, देयरफॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज -0.24। सॉल्यूशन का पूछा ना आपको, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा, यहां पर क्या पूछा, क्या सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा, ये हमारा मेन फॉर्मूला छोटा सा था, क्या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी, तो टी क्या था, टी नॉट क्या था यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द टी नॉट माइनस टी। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, करेक्ट है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, 0.5 क्वेश्चन है ये, 2007 का क्वेश्चन है नीट, 0.5 मोलाल है ना, मोलाल एक्वस सॉल्यूशन, मोलाल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड, ऑफ अ वीक एसिड मतलब यहां पर एच एक्स दे दिया एक वीक एसिड ठीक है ना, इज 20% आयोनाइज्ड, ओके
कितना 20%। इफ के एफ फॉर वाटर इज, इफ के फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स है ना, द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, इसमें मैं आपको ऑप्शन भी लिखा के देता, 0.56 केल्विन, बी है -0.56 केल्विन, सी है 1.12 केल्विन और डी है -1.12 केल्विन। मतलब साइन पर भी थोड़ा आपको ध्यान देने का है करेक्ट आंसर आने के बाद में भी। चलिए देखिए, हाँ समझ लो आप, 0.5 मोलाल ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX बताया, तो मतलब वीक एसिड कौन सा रहेगा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, इज 20% आयनाइज्ड। तो हम एक काम करते हैं ना, अल्फा निकाल लेते हैं पहले, इसमें कितना है 20/100, ओके सर कितना है 0.2 आयनाइज्ड। इफ के फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब यहां पर आपको निकालना है अब डेल्टा TF, क्या निकालना है डेल्टा TF। चलिए देखिए, हम HX लिख लेते पहले, इसको हमने आयोनाइज्ड की, बताइए H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ठीक है ना, सो 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, सो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1, सो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, यहां हमने I निकाल लिए और I इज इक्वल टू 1 प्लस कितना 0.2, तो फाइनल आंसर I का कितना रहा 1.2, ओके सर ये समझ में आ गया हमारे को, बराबर है ना। अब हमारा मेन फॉर्मूला ये था कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M इनटू, बराबर है ना I, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स इनटू, ये कितना मोलाल है 0.5 मोल पर केजी इनटू आई, कितना यहां पर 1.2, बराबर है, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना 1.86 है ना, ये तो चला गया, सॉरी केल्विन बाकी है इसमें, केजी केजी चला गया, मोल मोल इनवर्स चला गया है ना, इनटू 0.6 और ये है केल्विन। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 मान लो आप इसको और इसको कितना 186, तो इसका आंसर आएगा देखिए, इसको 186 है ना, 6 कितना हो जाएगा, बराबर है ना 0.6 बराबर, हाँ तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम इंटू आई, ठीक है ना, तो KF निकाल लिया हमने, KF तो दिया हुआ था है ना, इंटू एम, एम कितना है 0.5 मोलार, बराबर, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, डेल्टा TF इसका आंसर आ जाएगा 1.12 केल्विन, देयरफॉर द डेल्टा है ना प्लस में आ रहा है, डेल्टा TF इज इक्वल टू या था 1116 1.116, ठीक है, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू द 1.12 केल्विन, देयरफॉर द है ना लोअरिंग इन वेपर लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.12 केल्विन, हम सॉरी इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने का है ना, 6 × 186 बराबर है, कितना आ जाएगा 36, 6 कितने बचे 3 48 प्लस होना 3 51 बराबर है 6 बराबर है ना, सॉरी हम इसको डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई करना चाहिए, कितना आंसर आया इसका है ना, मल्टीप्लाई करना था ना इसको, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.12 केल्विन, कंसेप्ट समझ आ गया आपको, ठीक है नोट कर लो आप, ये फाइनल आंसर करेक्ट है। अगला टॉपिक देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए,
चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन. अ सॉल्यूट अ टेट अ सॉल्यूट लिखिए क्वेश्चन ऐसा. अ सॉल्यूट टेट्रामेराइजेस. अ सॉल्यूट टेट्रामेराइजेस इन वाटर. इन वाटर अप टू 40% इफ 2.5 ग्राम ऑफ ए मीन सॉल्यूट सॉल्यूट ए बताया यहां पर हमने ए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर ए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर ठीक है प्रोड्यूस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस के फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स. कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. चलिए पॉज करके पहले आप नोट कर ले इसको, फिर मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल लेते हैं. चलिए देखिए क्या निकालना है यहां पर आपको. पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो. अ सॉल्यूट टेट्रामेराइजेस. मैंने क्या क्या यहां पर क्या चार ए यूज किया, इसमें तैयार होगा ए फोर होगा ना, एसोसिएशन बोलो ना टेट्रामेराइजेस इन वाटर अप टू 40%. मतलब यहां पर आपको अल्फा कितना दे दिया 40 है ना डिवाइडेड बाय 100 कितना 0.4 हो गया. इफ 2.5 ग्राम ऑफ ए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम दे दिया और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया 100 ग्राम. प्रोड्यूस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना दे दिया यहाँ पर आपको 0.3 डिग्री सेल्सियस. के फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स. के एफ भी दे दिया. कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. याद आ रहा है आपको फॉर्मूला क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन है ना. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम है ना इंटू आई. तो सबसे पहले आपको यहां निकालना है आई निकालना पड़ेगा और एम टू इज इक्वल टू बराबर, फिर हम एम टू निकाल लेंगे. तो हम आई निकाल लेते पहले कितना है ये. इनिशियल में तो वन कॉन्सेंट्रेशन था इसका 1 मोल था और एट इक्विलिब्रियम कितना रहेगा 1 माइनस अल्फा एक में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए तो ये क्या रहेगा अल्फा अपॉन 4 बराबर है ना. चलिए देखिए सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस है ना अल्फा बाय 4 देयर फोर है ना 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 4 माइनस हाँ कितना बचा है 1 माइनस 3 अल्फा अपॉन 1 तो कुछ काम की बात नहीं है अपॉन 1 रहने देते. देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अल्फा ओके आई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अल्फा. सो ठीक है ना. अब यहां हम क्या करेंगे क्या आई निकालने के पहले आई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अल्फा ये बाय 4 भी रहेगा ना एजीटीज हाँ सर ठीक है. माइनस 3 इंटू अल्फा कितना है यहां पर अल्फा है 0.4 अपॉन 4 बराबर है तो ये कितना है 12 है ना. तो 0.12 डिवाइड करें 4 से 0.3 कितना बचा. सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस है ना 0.3 कितना आ रहा 0.7. चलिए हमने पहले यहां पर आई निकाल लिए क्या निकाल लिए देख लेना आपने
12 मतलब 0.12 तो हो गया था, 0.12 को डिवाइड करें हमने 4 से, 0.3 हो गया, बराबर है। तो 1 में से 0.3 माइनस कर देना, 0.7 करेक्ट है ना, ठीक है। तो भी चेक कर लेना आपने कितना है, 1.86 है ना, क्या है ये केल्विन केजी मोल इनवर्स इनटू W2 मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम इनटू 1000 इनटू 0.7 अपॉन डेल्टा टीएफ कितना है यहाँ पर, ये है 0.3 डिग्री है ना, तो डिग्री है केल्विन चला जाएंगे क्योंकि चेंज में कुछ फर्क नहीं पड़ता। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100, हमने इसको केजी कर दी क्योंकि अपॉन 1000 करे थे हमने, बराबर है। कुछ होता डिवाइड देखते हैं हम ट्राई करके, कितना बचा यहाँ पर 10, 25 हो जाएगा। सो M2 इज इक्वल टू 1.86, बराबर है, कितने हैं 1.86। अच्छा यूनिट कुछ कैंसिल होता है क्या, केजी केजी चला गया, बराबर है, ग्राम पर मोल बचा, सही है। तो ये कितना हो जाएगा इंटू 25 इंटू 0.7 अपॉन 0.3, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसका आंसर है 1.08.5 ग्राम पर मोल। मेथड समझ में आ गया क्या आपको, देयरफॉर द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट का मोलार मास रहेगा 1.08.5 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। इसको आप पहले कितना हो जाएंगे 7, 3, 1, बराबर 2.33, इसको मल्टीप्लाई कर लेने का, 2.33 से मल्टीप्लाई कर 50 से ऊपर आ जा रहा है ना, इनटू 50 से ऊपर है ना, इनटू 1.86 बराबर है, अप्रॉक्स 1.08.5 है ना ग्राम पर मोल। पॉज करके नोट कर लीजिए आप, अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है 2 मोलार NaCl सॉल्यूशन इन वाटर हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1.88 केल्विन इफ केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है ना। कैलकुलेट आई कैलकुलेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर मीन्स आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड क्या निकालना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर NaCl, कैलकुलेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर NaCl, ठीक है ना। चलिए देखिए पॉज करके आप नोट कर लो, निकालना यहां पर आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 2 मोलार एक्वस सॉल्यूशन है ना इन वाटर हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कितना दे दिया 1.88 केल्विन केजी केल्विन इफ केबी फॉर वाटर कितना है, यहां पर केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, कैलकुलेट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए एक मेन फॉर्मूला यह है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू द केबी इनटू है ना क्या रहेगा एम इनटू आई, मोलाल दे दिया ना इसलिए मिले थे, सो आई इज इक्वल टू बराबर है। डेल्टा टीबी कितना है क्वेश्चन में, सर डेल्टा टीबी है 1.88 है केल्विन अपॉन केएफ कितना है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स इंटू एम, एम दे दिया यहां पर आपको 2 मोलार मोलार बोल तो मोल पर कीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, केल्विन केल्विन चला गया, सो आई इज इक्वल टू ठीक है ना
इसको वन से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये कितना बचा, वन वन पॉइंट है ना, वन से थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, तो इसका फाइनल आंसर है आई इज इक्वल टू वन पॉइंट, समझे कैसे किया मैंने, 0.52 इंटू टू कितना हो जाएगा 1.04, बराबर है, 1.04 से हम डिवाइड कर रहे 1.88 को, तो इसका आंसर आएगा, एक काम करते ना, क्या इसको 1.8 मान लेते और उसको कितना मान लेंगे 1 अप्रोक्स, सो आई इज इक्वल टू 1.8। अब चलिए देखिए, यहां से हमने पहले आई निकाल ली, अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट व्हाट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब किसके लिए, NaCl के लिए, NaCl को हमने डिसोसिएट किए, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है ना, इनिशियल स्टेट पर क्या रहेगा बताइए आप, ये 1 है, ये 0 0 है ना, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा अल्फा, सो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1, सो है ना 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, सो 1 प्लस अल्फा बराबर है अल्फा, चले जाएंगे देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब यहां से आपको निकालना है, क्या निकालना है बताइए सर, ये अल्फा बराबर है, सो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन, आई कितना है 1.8 माइनस वन इज इक्वल टू 0.8। अब आपको परसेंटेज ऑफ अल्फा निकालने का है, तो कितना हो जाएगा 80, मीन्स क्या करेंगे आप, क्या 0.8 इंटू 100 कितना हो जाएगा 80%, देयरफॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 80% एंड वांट ऑफ फैक्टर इज 1.8, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है m by 15 सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड इज, पोटेशियम साइनाइड इज 50% डिसोसिएटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पर आपको निकालना है पाई, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए क्वेश्चन है, मोलरिटी कितना दिया, m by 15 दिया यहां पर है ना, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड KCl ठीक है ना इज 50% डिसोसिएटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस है ना, आगे कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है यहां पर आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर पता है सर हमारे को कि पाए इज इक्वल टू रहता CRT या फिर m कर देंगे, मोलरिटी दिया यहां पर तो MRT इंटू आई, क्या पाए इज इक्वल टू एम आर टी इंटू आई, तो सबसे पहले आपको क्या निकालने का है आई, क्योंकि क्वेश्चन में एम दिया हुआ है, कितना है एम बाय 15 कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है इंटू आर 0.0821 लीटर एटमोसफेयर है ना, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू टेम्परेचर है 300 केल्विन बराबर है ना, इनटू आपको आई निकालना है बराबर है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया क्वेश्चन में, पोटेशियम साइनाइड दिया मींस KCN, करो इसको डिसोसिएट, K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, ओके सर K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, इनिशियल में कितना है ने? इनिशियली 1 ये 0 0, एट इक्विलिब्रियम बहुत पढ़ लिया सर इसको 1 माइनस अल्फा ये अल्फा अल्फा, सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1, सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला बना ली सर, लेकिन यहां पर अल्फा जो दिया आपको 50% दिया, सो अल्फा इज इक्वल टू 0.5, आई इज इक्वल टू है ना 1 प्लस 0.5, सो आई इज इक्वल टू 1.5
आई निकाली यहां से हमने 1.5 इंटू 1.5 बराबर है। सो पाई इज इक्वल टू ये 1 अपॉन है ना, यहाँ पर मोलर रहता मोल पर लीटर, तो मोल और लीटर चला जाएगा, ये केल्विन केल्विन चला गया, ये मोलर चला गया है ना। कितना बचा यहाँ पर देखिए 15 इंटू, मैं काम करता है ना इसको, इसको हम कर देंगे 8.21 है ना इंटू 10^-2 इंटू 3 इंटू 10^2 इंटू है ना 15 इंटू 10^-1 बराबर है। सो पाई इज इक्वल टू ये 15 से 15 चला गया, ये चला गया, ठीक है, सारी परेशानी हट गई यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 से है ना, क्या डिवाइड कर देते, सॉरी यार 8.21 इंटू 3 कितने 3 6 बराबर है 24 24 मीन्स देखिए कितना आएगा, ये 24.6 थी रहा था, ये 10 इनवर्स था। सो पाई इज इक्वल टू 2.463 और ये रहेगा एटीएम। देयरफॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फॉर 2.463 एटीएम। करेक्ट है आंसर, इसमें कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ नोट कीजिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अगला क्वेश्चन है, लिखिए हाँ क्वेश्चन है, अ कंपाउंड MX2 अ कंपाउंड MX2 हैज ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मोलार मासेस 65.6 एंड 164 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। आगे देखिए कैलकुलेट द एपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द एपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ सॉरी आयोनाइजेशन है, एसोसिएशन है, आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ MX2। चलिए डिसोसिएशन भी बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। देखिए एक आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या I इज इक्वल टू M याद है, थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड, थ्योरेटिकल बोलते नॉर्मल मोलिकुलर मास, ठीक है ना। देखिए अ कंपाउंड MX2 हैज द ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मोलार मासेस, ऑब्जर्व्ड कितने 65.6 और थ्योरेटिकल कितने हैं 64 मतलब नॉर्मल 164, तो 164 अपॉन 65.6 ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ निकालना है आपको अल्फा, ठीक है। तो ये कितना रहा देखिए 65.6 ये हो जाएगा 131.2 है ना, और उसका आधा पकड़ लो मीन 2.5 अप्रॉक्स, क्योंकि 33 बचा ना 2.5, समझे कैसे किया हमने, 65.6 to 131.2, फिर भी यहाँ पर कितने बच रहे 131 में से, यहाँ बच रहे 33 और आधा बचा 2.5 बराबर है, आई निकाल लिया हमने। अब देखिए MX2 की बात किया यहाँ पर इसने, MX2 इसको हमने डिसोसिएट किए, M डाय पॉजिटिव प्लस ट्वाइस X नेगेटिव 100 इनिशियल, इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा बताइए 1 माइनस अल्फा, अल्फा और ये है 2 अल्फा, सो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, सो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, निकालिए हमने I बराबर। अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला बना लेंगे, अब I तो क्वेश्चन में दिया था हमारे को क्या I इज इक्वल टू कितना था 2.5 था, इज इक्वल टू
वन प्लस टू अल्फा, सो टू अल्फा इज इक्वल टू 2.5 माइनस वन, मतलब क्या रहेगा बोलिए, 1.25, ठीक है ना। सो अल्फा सही है ना, और अल्फा इज इक्वल टू बराबर है, ये तो करेक्ट है ना, इस पर कुछ डाउट नहीं है, इसने माइनस कर लिए, ठीक है, कितना 1.25, और 1.25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 125 का आधा कर लो आप, कितना हो जाएंगे, हाँ ये हो जाएंगे 60, 63 बराबर है ना। देखिए पहले फॉर्मूला, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा है ना, प्लस 2 अल्फा अपॉन 1 था, छोड़ दिया हमने इसको, कितना बचा 1 प्लस 2 अल्फा, इसको हमने इधर लेके आ गए, कितना था 2.5, तो 1.5 बचा बराबर है, हाँ सर 1.5 में से, ओहो ये 1.5 बराबर है, और अल्फा इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 0.75, सो परसेंटेज ऑफ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज 0.75 इनटू 100, तो कितना आंसर आ जाएगा 75%। देयरफॉर द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ MX2 इज कितना रहेगा बताइए, 75%, कितना रहेगा 75%। चलिए नोट कीजिए आप, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाँ बस लास्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऑब्टेन फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर हाँ कितना है यहां पर, ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर यह है 25 ग्राम पर मोल। आगे देखिए आप, इट्स एक्वस सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स आयोनाइजेशन परसेंटेज इन दिस सॉल्यूशन, इज है ना, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है आपको इस सॉल्यूशन के अंदर, पहले आप पढ़ लो इसको अच्छे से। देखिए द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ NaOH ऑब्टेन फ्रॉम द है ना मेजरमेंट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर 25 ग्राम पर मोल, इट्स एक्वस सॉल्यूशन एट है ना 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स आयनाइजेशन परसेंटेज इन दिस सॉल्यूशन इज, मतलब यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालने का है, अल्फा निकालने का है, कितना परसेंट डिसोसिएट होगा आयनाइज्ड होगा। तो देखिए आई इज इक्वल टू एम थियोरेटिकल, याद आ रहा क्या, हाँ सर, अपॉन एम ऑब्जर्व, बिल्कुल सर, तो एम थियोरेटिकल NaOH का मोलर मास कितना है 40 है, और ये ऑब्जर्व कितने 25, तो ये हो जाएगा 1.6, जी सर आई समझ में आ गया। अब NaOH को आप आयोनाइज्ड करो, बताइए Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, ठीक है ना, तो इनिशियल स्टेट पर है ये 1, ये 0, 0,
एट इक्विलिब्रियम बताइए 1 माइनस अल्फा, अल्फा मोल डिस्टेंस जुड़े ये अल्फा अल्फा, सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1, तो कितना है 1 प्लस अल्फा, सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। बराबर है ना कि स्पीड 4g हो गई, नहीं बराबर है, ठीक है। चलिए देखिए अब आई कितना था यहाँ पर, आई है सर 1.6 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ आपको अल्फा निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 कितना है 0.6 अल्फा, और परसेंटेज ऑफ है ना डिसोसिएशन आयनाइजेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.6 इनटू 100 दैट इज 60%, देयरफॉर द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन दिस सॉल्यूशन इज 60%। कितने का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 60%, नोट कर लो आप जल्दी से इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लिखिए हाँ क्वेश्चन है 0.01 मोलाल मतलब मोल पर केजी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K3FeCN/6 फ्रीज एट माइनस 0.062 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट केएफ फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। पॉज करके नोट करो, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करो और कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए देखिए यहां मोलालिटी कितना देते हैं, 0.m इज इक्वल टू 0.01 मोलाल मोल पर केजी होता है इसका मीनिंग, ठीक है ना, और क्या दिया K3FeCN/6 बराबर है। अब यहाँ पर 0.01 मोलार एक्वा सॉल्यूशन ऑफ K3FeCN/6 फ्रीज एट, मतलब टी कितना दिया है यहाँ पर आपको, माइनस में दिया ना, माइनस 0.06 है ना टू डिग्री सेल्सियस, सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू बराबर है टी नॉट माइनस टी, तो जीरो माइनस है ना 0.062 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 0.062 डिग्री सेल्सियस, यहां निकाली हमने डेल्टा टी एफ, ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या निकालना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको आई निकालना पड़ेगा पहले। देखिए क्या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द के एफ इंटू एम इंटू आई, बराबर है, मेन फॉर्मूला ये है ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। हम एक काम करते हैं ना, आई निकाल लेते पहले, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम, इसको ले लीजिए, ठीक है ना। सो आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ कितना है क्वेश्चन में, सर ये है 0.062 डिग्री सेल्सियस, चेंजेस सेम रहेगा, अपॉन केल्विन के एफ कितना है सर, सर ये है 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स, ये चला जाएगा ना, हाँ ये की बात है चेंजेस में, इनटू मोलालिटी कितना है 0.01 बराबर है, सो आई इज इक्वल टू 0.062 अपॉन बराबर है 0.0186, कैलकुलेट कर लेना आपके, इसका आंसर आएगा 3.33 है ना, इसको 18.6 इंटू 10^-3 और 62 है ना, तो इन शॉर्ट 62 को हम डिवाइड कर रहे कहाँ से, 18 से, 18 3 = 54 और कितने बचे वहाँ पर 8 है ना, 18 मतलब ये 18.6 है ना, और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, तो कितना आ जाएगा 3.33 समथिंग, ठीक है। आई समझ में आया ना कैसे निकालिए इसको, आई निकालिए हमने। अब डिसोसिएट क्या किए थे सर, K3 FeCN/6
बताइए कैसा डिसोसिएट करेंगे इसको, बोलिए थ्राइस के पॉजिटिव प्लस एफ ई सी एन बाय सिक्स चार्ज है माइनस थ्री, ठीक है। ये कितने हैं पर 100 इनिशियल में है ना, और इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा, एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, ये क्या रहेगा 3 अल्फा और ये क्या रहेगा अल्फा। सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा, सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा, ठीक है सर। यहां तक क्या हमारे को समझ में आ गया। सो अल्फा इज इक्वल टू आई कितना है यहां पर 3.333 माइनस 1 है ना, और एक 3 अल्फा था ना, बाय 3 कर देते हैं इसको, तो 2.333/3 इज इक्वल टू 0.78, मींस परसेंटेज ऑफ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना रहेगा 78%, ठीक है। फाइनल आंसर करेक्ट है, पॉज करके नोट करो, ठीक है ना। देयरफॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इज 78%, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके आने के चांसेस है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवाया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा हमारा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे हम, क्या ऐसा सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को ओबे करता है उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और ऐसा सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करता उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एक लेक्चर इस पर मैं बनाऊंगा, आइजोट्रोपिक मिक्सचर पर आइजोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या है वो, फिर सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, हेनरी लॉस क्या है, उसके लिए एक लेक्चर, कितने में लेक्चर 3, ठीक है ना। एक लेक्चर बनाऊंगा मैं स्पेशल न्यूमेरिकल और सॉल्व करूंगा पूरे होल चैप्टर के 4, ठीक है। और एक लेक्चर रहेगा लास्ट वाला, दैट इज रिविजन ऑफ ऑल चैप्टर्स, मतलब इसके बाद और हमारे को 5 लेक्चर बनाना है, ठीक है ना। तो जब तक क्या पढ़ाई करते रहिए, बाय।